हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप मेरा बैकग्राउंड देख लीजिए कैसा लग रहा है, इसके बारे में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। और इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ये वाला वीडियो देख लीजिए, बिल्कुल इसी तरीके का वीडियो बनाना सिखाएंगे। ऑसम कलर बैकग्राउंड है प्लस नेम आर्ट वाला वीडियो। ये वीडियो बनाने के लिए सबसे आसान ट्रिक बताऊंगा और ए टू जेड स्टेप वाइज स्टेप करके सिखाने वाला हूँ। तो आप मेरे इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेंगे, स्किप मत कीजिएगा। तो गाइस, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए आए हो, पहली बार आए हो, तो इसी वीडियो के नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको क्लिक करके बेल का घंटे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल क्लिक करके रखें। क्योंकि मेरे इस चैनल पर टिकटॉक का 2-3 ट्रेंडिंग ट्यूटोरियल डेली आता है, तो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे भी था, मुझे वहाँ पे फॉलो कर लीजिए अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं। अब चलिए वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप करके सिखाते हैं कि वीडियो कैसे बनाया जाता है। गाइस, इस वीडियो को जरूर बनाइए, जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है टिकटॉक पे, तो चलिए सीख लेते हैं। तो गाइस, अब हम आ गए अपना स्मार्टफोन में और काइन मास्टर एप्लीकेशन आपको ओपन करना है। ये प्लस वाला ऑप्शन को क्लिक करके दोस्तों यहाँ पर आपको 3 एस्पेक्ट रेशियो मिल जाता है, आपको ये 16 और 9 वाला रेशियो सिलेक्शन कर लेना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको जाना है मीडिया पे। मीडिया पे जाने के बाद दोस्तों उस वीडियो को आप लेके आ जाएंगे जो बैकग्राउंड वाला वीडियो है दोस्तों, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप बिल्कुल ईजिली डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अब इसमें एडिटिंग कैसे किया जाता है पूरा प्रोसेस आप देख लीजिए। दोस्तों, एक चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट भी कीजिए, अगर अच्छा लगता है तभी कमेंट कीजिए, और कुछ सुधार करना है तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, एक लाइक से आप लोगों का बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो अब चलिए इस वीडियो को एडिट करके सिखाते हैं कि वीडियो कैसे बनाया जाता है परफेक्ट तरीका से। गाइस, अब इसमें आपको नेम आर्ट नाम लिखना है, तो वो कैसे लिखेंगे, ये जो लेयर का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, लेयर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे एक टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, तो टेक्स्ट वाला आपको आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक कर लेने के बाद मान लीजिए मैं लिखता हूँ लव यू जानू, ठीक है, और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो आप ऐसे खींच के बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है ना, और इसका जो स्टाइल है, फॉन्ट स्टाइल है, उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो ये डबल ए पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन पहले से आपको मिलता है, अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा फॉन्ट आपको मिल जाता है, जहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। अब आपको जाना है, मान लीजिए मैं एक डाउनलोड करके रखा हूँ डिस्प्ले वाला ऑप्शन से, तो डिस्प्ले वाला ऑप्शन में जाके ये वाला फॉन्ट को सिलेक्ट करके यहाँ से हम ओके करते हैं। अब देख लीजिए ये कुछ इस तरीके से आपको लगेगा देखने में। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे छोटा बड़ा जैसे आप करना चाहें कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। वीडियो के बराबर इसको मतलब ड्यूरेशन इसका बड़ा कर लेंगे, इतना बड़ा करके यहाँ से ओके कर देते हैं। गाइस, यहाँ पे बिल्कुल शुरू में नहीं होना चाहिए, वो कहाँ से होगा वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ से आपका ये दिखना स्टार्ट हुआ है तो इसको यहीं से रखिए। इस पर वीडियो नीचे वाला जो टेक्स्ट वाला जो लेयर है, इस पर क्लिक करके सीजर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ट्रिम टू लेफ्ट अप प्लेहट करके काट लेंगे, यहाँ से ओके कर देते हैं। अब गाइस, इस पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करके एक इन एनिमेशन देना है। ठीक है, तो ये इन एनिमेशन में जाएंगे और यहाँ पे फेड वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, या आप वन रख सकते हैं, तो वन में थोड़ा सा लेट आएगा और अच्छा लगेगा आपको देखने में। ये हो गया। अब गाइस, अब ये जो लेटर जो लिखा हुआ देख रहे हैं, इसके साइड साइड में आपको ब्लैक लगाना है ताकि बहुत अच्छा से लगे, जैसे आपने वीडियो देखा था। तो ये आउटलाइन पे जाके और यहाँ से इसको इनेबल, कुछ इस तरीके से आप इसको इनेबल कर देंगे और यहाँ पे देखेंगे आपको ब्लू ब्लैक 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 दिखने लगा। ये 15 नहीं रहेंगे, यहाँ से आप थोड़ा सा कम 9, 10, 11 आपका हिसाब से रख लेंगे, जो आपको बेटर लगता हो। ठीक है, ओके कर देते हैं। फिर से दोस्तों इसी टेक्स्ट वाला लेयर पर क्लिक करेंगे, आपको नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन आपको मिलता है, तो ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन को क्लिक कीजिए और यहाँ से इसको ओवरले कर दीजिए। ठीक है, अब मैं एक बार आपको वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ, तो देखिए कैसे वीडियो बना है। और गाइस, एक चीज़ और बता देता हूँ, इसमें कोई भी आप सॉन्ग भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी गाना अगर आप ऐड करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका से बन गया, जैसे आप चाहते थे और जैसे आप सीखने आए हैं वीडियो को। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये बन गया, ऐसे ही इस वीडियो को बनाया जाता है। अब इस वीडियो में सॉन्ग ऐड करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे एक सॉन्ग का ऑप्शन मिलता है ऑडियो का, ऑडियो पे जाएंगे, आपका म्यूजिक लाइब्रेरी ओपन हो जाएगा, यहाँ से कोई भी आप सॉन्ग ऐड कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो। ठीक है, अब इस वीडियो को सेव एंड शेयर करने के लिए दोस्तों ये शेयर वाला ऑप्शन पे जाएंगे
और यहाँ से 720:30 करके वीडियो को एक्सपोर्ट करेंगे तो वीडियो आपका गैलरी में सेव हो जाएगा। गाइस उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आप समझ गए होंगे बनाना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है और दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।